और सातवें राउंड की इलाहाबाद से सातवें राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है। लगातार पूरे हरियाणा की और सभी लोगों की नजरें बनी हुई है कि इलाहाबाद में क्या होता है। ये देखिए सातवें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और सातवें राउंड के बाद 8180 वोटों की लीड है INLD कैंडिडेट चौधरी अभय सिंह चौटाला को और 8180 की बढ़त हो गई है। सातवें राउंड के बाद 31838 वोट मिले हैं अभय सिंह चौटाला को। INLD कैंडिडेट गोविंद गांडा 23658 और पवन बेनीवाल 13092। ये जो मैं कह रहा था वो लीड जो है वो कांग्रेस की घटती जा रही है, ये BJP के लिए चिंता का कारण था। और मैं जो शुरू से कह रहा था कि ये कुल मिला के सातवें राउंड पे कहां कहां काउंटिंग हुई ये आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इलाहाबाद ब्रेकिंग जी। अभय सिंह चौटाला को सातवें राउंड में 4504 वोट मिले हैं, बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा को 2948, कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 1214, टोटल डिफरेंस 1556 और लीड टोटल हो गई है 8180 की। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये पांचवें राउंड में 4504 वोटों से को वोट मिले INLD कैंडिडेट को, बीजेपी को 2948 और कांग्रेस को 1214। ये जैसे ही 45 में एंट्री हुई है उसके बाद ये लगातार घटता चला जा रहा है। और पवन भी इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पवन के पास जाने से पहले एक बार आपको बता दें कि सातवें राउंड में कौन कौन से गांव आते हैं। ये आता है डुगडा, यहाँ पे 328 वोट से INLD पिछली बार आगे थी और बीजेपी नंबर दो पे थी। ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में बीजेपी को वोट नहीं थे, बीजेपी को वोट थे। और उमेदपुरा में 43 वोट से INLD आगे थी कांग्रेस से। महना खेड़ा में 65 वोट से INLD आगे थी। कुमरथल में 84 वोट से INLD आगे थी। मुसली में 17 वोट से कांग्रेस आगे थी। मेरा कला में 57 वोट से INLD आगे थी। मेरा खुर्द में 113 वोट से कांग्रेस आगे थी और बीजेपी इलाहाबाद शहर का एक इलाका आ जाता है, एक हिस्सा आ जाता है। हालांकि 1477 वोट से बीजेपी, वो पूरा इलाहाबाद शहर, लेकिन इलाहाबाद शहर आपको बता दें कि सेवेंथ राउंड में थोड़ा सा इलाका आता है, एट्थ और नाइन्थ राउंड जो है वो इलाहाबाद शहर पूरा होगा और दसवें राउंड में इलाहाबाद के 120 बूथ आएंगे। तो ये इलाहाबाद का छोटा शहर है। अब अगर इसका आकलन करें पिछले बार के चुनाव की तुलना में, तो पांचवें और छठे राउंड में जहां हम आपको बता रहे थे कि INLD को नुकसान हुआ है पिछले चुनाव के तुलना में, ये वो इलाका था जहां पर जो मीनू बेनीवाल हैं JJP के, वो बहुत एक्टिव थे और लगातार कैंप कर करके सब तरह का काम वहां पे कर रहे थे ग्राउंड पे। लेकिन सेवेंथ राउंड में जैसे ही उनके इलाके से, उनके गांव से थोड़ी दूरी बढ़ी, INLD का को जंप मिल गया और पिछले चुनाव के तुलना में इस बार लीड बढ़ गई। 1556 वोट से INLD को लीड बढ़ गई। और इस राउंड में मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद जो कस्बा है उसका भी एक छोटा सा इलाका आता है। अब